अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? सब खरीद है? मैं बिलाल आशिक, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नर्सी उमान। जो दोस्तों मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। आज सातवां रमज़ान है और सुबह के तकरीबन 7:45 का टाइम हो गया है, तो आज आप एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम जा रहे हैं मस्कत और इंशाल्लाह आपको भी विज़िट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, रोड पे अपना इशारे भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दिखाएंगे। सब जो लोग दोस्तों मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो में बना सकूँ और आपके पास फोन से जो सब्सक्राइब करना ना भूलिए इंशाल्लाह। अभी हम जा रहा हूँ, मेरे रोड के ऊपर हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। इस टाइम मैं पहुँच गया हूँ, बदिया से निकला हूँ, तकरीबन 40 मिनट हो गए। अभी ये रास्ते में एक आता है अलखेमा, अभी मैं इधर हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छे से व्यूज़ दिखाऊंगा। माशाल्लाह कल बारिश हुई थी उसकी वजह से आज माशाल्लाह मौसम बहुत ठंडा है, बहुत खुशहाल मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। आज तो मैंने एसी भी गाड़ी का नहीं चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। जी गाइस देखिए माशाल्लाह आपको नज़ारा देखिए, माशाल्लाह देखें कैसे माशाल्लाह बादल हैं और पहाड़ देखें, पहाड़ों के नज़दीक माशाल्लाह बादल हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा देखें माशाल्लाह। ये बस पहाड़ों में हमारी ज़िंदगी है, जो भी रास्ता जिधर से भी हम जाएंगे, जिधर भी हम जाएंगे रास्ते में पहाड़ बहुत आएंगे, ये तो आपको देखने पड़ेंगे। देखें माशाल्लाह कैसा व्यू है, वाह माशाल्लाह। आज हम इंशाल्लाह जाएंगे मुवल्ला में, वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट था काम का, वो इंशाल्लाह बस थोड़ा ही बाकी है और 2-4 दिन का काम है, वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा सामान था उसको इंशाल्लाह पहुँचाएँगे और आपको रोड के ऊपर अच्छा 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 अच्छे व्यूज़ दिखाते जाएंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने नज़दीक पहाड़ों के, कितने नज़दीक बादल हैं माशाल्लाह, पहाड़ों से भी नीचे बादल हैं, पहाड़ों से भी नीचे बादल हैं। देखें माशाल्लाह, मौसम भी माशाल्लाह इतना ठंडा है, आज तो एसी भी नहीं गाड़ी का चलाया, एसी के बगैर इंशाल्लाह जाए। ये बाबा कैमरे वाला है, ये कैमरा गुजरा था, इससे बहुत डर लगता है भाई, ये सीधा सीधा फैन करता है, सीधा सीधा 10 रियाल का फ़ाइन करता है, इसका फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ओवर स्पीड करेंगे तो फ़ाइन तो होगा ना, इसलिए ये ऐसा चले जितनी स्पीड की लिमिट है वो स्पीड की लिमिट के हिसाब से रोड के ऊपर चलें ताकि मुखालफों से भी बचें, क्योंकि हुकूमत को तो पैसे चाहिए, तो जो हम लोग मज़दूर ड्राइवर भाई हैं उनको एहतियात की जाती है, अपनी स्पीड की लिमिट में रहें और कैमरे की आंख से बचें, क्योंकि ये तो जब भी आंख मार देगा फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप ऊपर जाएं नीचे जाएं कमती में जाएं ज़्यादा में जाएं आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कैमरे की आँख मारेगी समझो आप कैमरे की आंख से नहीं बच सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं आपको।
ठीक है गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं जर्दा में और बदिया से जर्दा का सफ़र है 100 किलोमीटर। ठीक है, और अभी हम जाएंगे सीधा, ये देखिए ये जर्दा है। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई थी जब इसकी में जा रहे थे, सोचा वीडियो डाली थी, उसमें भी ये आपको बहुत मिला होगा। लेकिन उस टाइम ये जो कैमरे की आँख बहुत खतरनाक है, उस टाइम ये साथ वाला एक छोटा सर्वस रोड है, ये सीधा ऊपर वो आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा ना, ये ब्रिज इसी ऊपर से हम उस तरफ गए थे, लेफ्ट तरफ जैसे सीधा ये गाइज़। अभी हम वादी हक में पहुंच चुके हैं, ये देखें ये वादी हक का माशाल्लाह स्विंग है। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एक है, 1.5 किलोमीटर माशाल्लाह। देखिए कैसे इतना सुंदर बनाया हुआ है, हर किस्म की अंदर हर किस्म की सुविधा मौजूद है, एमरजेंसी है, दरवाजे हैं, कोई मुसलम हलसा वगैरह हो जाता है, गाड़ी बाग आग लग जाती है, सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। साइड भी है, फायर वाला दरवाजे वगैरह भी हैं, एमरजेंसी कॉल आप कर सकते हैं, बॉक्स लगे हुए हैं टेलीफोन नंबर, माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है। ये तकरीबन 2 है, 1 नहीं है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का है और 1 आगे है, बहुत छोटा है। इधर छोटी गाड़ी है, कार है, पिकअप है और 3 टायर की गाड़ी जो है बस वो वाला हुआ है। बाकी जो बड़ी गाड़ी है 60 टन की है, 10 टन की है, यानी कि 3 टन के ऊपर जितनी भी बड़ी गाड़ी है वो सब अलाउ नहीं है इधर ये रोड पे, वो सब जो है दूसरे रोड पे, उसका पहला जो रोड है ना उस पर अलाउ है, इधर अलाउ नहीं है। माशाल्लाह कैसे पहाड़ों के अंदर से पहाड़ों को तराश के ये रोड बनाया है, बहुत मेहनत का काम, बहुत मेहनत हुई है इसमें, बहुत मेहनत हुई है माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह और व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये पहाड़ों की जो इन्होंने कटाई की हुई है कैसे, यानी स्टेप बाई स्टेप काट के तराश के इसके अंदर से ये रोड बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। आपको सब इधर छोटी गाड़ी मिलेगी, बड़ी गाड़ी नहीं है मिलेगी, तो बड़ी गाड़ी अलाउ नहीं है, बड़ी गाड़ी आ भी जाए भूल के उधर से वो जो ये जो सुरंग है इसके अंदर जब भी उसने दाखिल होना है उसी टाइम अलार्म बजने शुरू हो जाने हैं, एमरजेंसी वो आपको अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे और हर 24 घंटे के अंदर ऑफिस है उधर आदमी बैठा होता है जो इधर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से देख रहा होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी जा रही है। हालांकि आप गाड़ी टायर पंचर हो जाता है ना तो आप उधर खड़े होते हैं तो फिर भी उनको उन कैमरे से देख के अलातूल उधर से आपको अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, फिर वो माइक में बोलेंगे या अपनी गाड़ी हटाओ अपनी गाड़ी हटाओ, अगर आपको मुश्किल है प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे कॉल करें, एमरजेंसी गाड़ी आएगी वो आपकी उठा के गाड़ी बाहर निकालेगी।
माशाल्लाह, यानी कि बहुत बहुत अच्छा निज़ाम है, कानून बहुत अच्छा है। कोई भी मुल्क है तरक्की करता है वो कानून के सार के ऊपर करता है। जो भी मुल्क का कानून अच्छा होगा, मजबूत होगा, सब फॉलो करेंगे, वो जो मुल्क है वो नीचे नहीं आएगा, इंशाल्लाह वो तरक्की पे तरक्की जाएगा। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान है, अल्लाह पाक उधर भी हुक्मरान अच्छे दें, उधर भी तरक्की जो है वो कानून साजी हो, तरक्की मुल्क करे। हम लोग तो परदेसी लोग हैं, हम बाहर होते हैं, हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान को हिफ्ज़ो अमान में रखे और अच्छा हुक्मरान आए जो पाकिस्तान का सोचे, ना कि अपनी जेब का सोचे। क्योंकि आजकल उधर हालात पता है आपको कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह करीब क्या कर सकते हैं, हम तो बस बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे के आगे बात को पहुंचा सकते हैं बस, और हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। करना उन लोगों नहीं है, हमारी जेबें खाली करनी है, अपनी जेबें भरनी है बस, अल्लाह खैर सलाह। हम लोग परदेश में जिधर भी हों, जो उनसे मुल्क में भी हों, जिधर भी हम रहें, हमारा कोई भी नहीं सोचता, वो लोग बस अपना बच्चों को सोचते हैं। सब लोगों के जितने भी बड़े बड़े अहदेदारान हैं किसी भी महकमे से, सबके यानी जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह यूरोप में ही हैं, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी में है, कोई फ्रांस में है, हर जगह पे वो तालीम लेते हैं। लेकिन जो मज़दूर तकबा है, मज़दूर है और जो गरीब आदमी है उनका कोई भी नहीं है, उनका अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। देखिए ये अभी हम इसलिए मैंने वीडियो चलाई थी कि आपको व्यूज़ करा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जा रहे हैं रवा दवा, इंशाल्लाह आपको बाद में इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके फिर इंशाल्लाह और व्यूज़ दिखाते हैं, ठीक है। वो वजह से बोलते हैं ना ब्रेक के बाद।